चिंटू अभी तक भी आया नहीं, इतनी देर हो गई उसे। क्या वो अपनी माँ से अभी तक पूछ नहीं पाया क्या? नहीं ऐसा तो नहीं, वीर की माँ ने उसको जादू देखने के लिए मना कर दिया है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत खराब होगा ना, हमारा कितना मन था जादू देखने का। अरे छुटकी तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा सोचो तो अच्छा होगा, गलत गलत मत सोचो। वीर की माँ बहुत अच्छी है, वो उसको कहीं के लिए भी मना नहीं करती है। तुम देख लेना, वीर जरूर आएगा और हम लोग जरूर जादू देखने जाएंगे। शायद ऐसा ही हो चिंटू, शायद नहीं ऐसा ही होगा। छुटकी चिंटू मैं आ गया। ये लो, तुम बेकार में इतनी चिंता कर रही थी, आ गया ना वीर। अरे वीर तुम कहाँ रह गए थे, मुझे तो बहुत चिंता हो गई थी, कहीं तुम्हारी माँ ने मना तो नहीं कर दिया तुम्हें जादू देखने के लिए। अरे यार वीर ये बेकार में परेशान हो रही थी और मुझे भी परेशान कर रही थी। अरे छुटकी इतनी जल्दी निराश नहीं होते हैं, मैं तुम लोगों से कह के तो गया था कि मैं अपनी माँ से पूछ के जाऊँगा, तो मैं माँ से बात कर रहा था। तो फिर क्या बात करी अपनी माँ से, तुम्हारी माँ ने जाने के लिए हाँ कर दी? और क्या छुटकी, मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो मुझे कभी मना नहीं करती है क्योंकि उसको मुझ पर विश्वास है। मेरी माँ ने हाँ कर दी, अब हम जादू देखने जाएंगे। चलो फिर भी देरी काहे बात की, चलते हैं जादू देखने। हाँ चलो चलो। अरे रुको रुको ना, अब क्या हो गया छुटकी? अरे चिंटू तुम बहुत जल्दी भूल जाते हो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। अरे मैं अब क्या भूल गया, तुम ही बता दो। तुम्हें ध्यान है अभी थोड़ी देर पहले हमें कालिया पहलवान और गोलू मोलू मिले थे, तो कालिया पहलवान हमसे पूछ रहा था कि तुम कहाँ जा रहे हो। हमने कहा हम जादू घर के पास जादू देखने जा रहे हैं, तो वो भी हमारे संग जाने ही कह रहा था ना, तो वो हमारा इंतजार कर रहा होगा वहाँ पे। अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया था। तो क्या हुआ छुटकी, उसको भी ले चलते, कोई बात नहीं। अरे वीर तुम इतने अच्छे क्यों, तुम कालिया पहलवान को जानते हो ना, वो कितना शैतान लड़का है। हमारे संग जाने का मकसद उसका कुछ और होगा, जरूर उसके दिमाग में कोई ना कोई शैतानी चल रही होगी। हाँ वीर ये बात तो छुटकी बिल्कुल सही कह रही है, जरूर उसके दिमाग में कोई प्लान होगा। अरे नहीं छुटकी और चिंटू तुम क्यों इतना शक करते हो कालिया पहलवान पे, क्यों चिंता कर रहे हो, हम तीनों संग चल रहे हैं ना, अगर कोई उसकी शैतानी होगी तो हम तीनों देख लेंगे। देखो वीर मुझे तो उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। हाँ वीर चिंटू बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे भी उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, और अगर तुम कह रहे हो तो हम तुम्हारे कहने पे चलते हैं। पर वीर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं उस पर नजर रखना है, कहीं वो कोई शैतानी नहीं कर दे, नहीं वो हमें फंसवा देगा। ठीक है चिंटू तुम इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो, मैं देख लूंगा उसे। ठीक है तो फिर चलते हैं। ठीक है चलो। अरे यार गोलू मोलू अभी तक वीर का नहीं आया, बहुत देर हो गई यार उन तीनों को, मैं कब से उनका इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक आए क्यों नहीं है वो। उस्ताद मुझे तो ये लग रहा है वो आपको पागल बना गए। हाँ उस्ताद आपको यहाँ पर कह के और किसी और रास्ते चले गए वो लोग जादू देखने। नहीं ऐसा नहीं कर सकते वो लोग, वो लोग जानते हैं ना कि मेरा नाम कालिया दादा है, कालिया दादा, मुझसे झूठ बोलकर वो नहीं जा सकते है। अरे उस्ताद यही तो खराबी है आप में, आप बात ही नहीं मानते हो। क्या कह रहा गोलू? अरे कुछ नहीं उस्ताद, बेजी बात कर रहा था, कुछ नहीं। गोलू मोलू यार एक बात बताओ, वीर यार अपने आप में बहुत होशियार समझता है, मैं वीर को कैसे सबक सिखाऊं? किसको, वीर को? और आप सबक सिखाओगे? वो नामुमकिन है उस्ताद। नामुमकिन है? मैं मालूम है ना कालिया पहलवान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हाँ उस्ताद बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, कालिया पहलवान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, पर उस्ताद वीर बहुत होशियार लड़का है, उससे टकराना कोई मामूली बात नहीं है। क्यों तुम दोनों मेरे चेले हो वीर के, उसकी तारीफ करे जा रहे हो? अरे अरे नहीं उस्ताद ऐसी बात नहीं है, हम तो आपके चेले हैं। हाँ उस्ताद मोलू बिल्कुल सही कह रहा है, हम आपके चेले हैं, वो तो हम बता रहे थे क्योंकि आप पूछ रहे थे ना इसलिए। अच्छा अच्छा बताओ, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान होए तो मुझे बताओ। अरे उस्ताद उस्ताद की बतू हमारे दिमाग में प्लान कैसे हो सकता है, और क्या उस्ताद चेला उस्ताद से बड़ा थोड़ी हो सकता है, अब आप ही कुछ सोचो। जो हुई ना बात, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो मैं ही सोचता हूँ। अरे आ गया एक आइडिया आ गया मेरे दिमाग में। बताओ उस्ताद। बताओ उस्ताद। मैं तो मैं बता तो रहा हूँ, पर ये आइडिया वीर तक नहीं पहुँच जाना चाहिए, नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे उस्ताद तुम्हें अपने चेलों पर विश्वास नहीं है, आप बेधड़क बताओ, ये बात बिल्कुल किसी तक नहीं जाएगी उस्ताद, आप चिंता मत करो। ठीक है चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ,
देखो गोलू मोलू, अभी हम वीर के साथ जादूगर के पास जाएंगे ना जादू देखने, तो हम एक काम करेंगे, जादूगर से कह देंगे कि तुम वीर को, छुटकी और चिंटू को, सबको अपने जादू से मुर्गा बना दो, फिर हम उन्हें मुर्गा बनवा देंगे, जिससे कि जादूगर उन्हें मुर्गा बना देगा, हमें अपना बदला मिल जाएगा। अरे उस्ताद, कैसी पागलपनी की सी बातें करते हो तुम, वो जादूगर हमारा कहना क्यों मानेगा? बिल्कुल मानेगा, इसका भी तरीका है मेरे पास। अच्छा उस्ताद बताओ, जादूगर बताओ कहाँ पे जादू दिखाने आया है? अपने गांव में उस्ताद। और गांव का दादा कौन है आप उस्ताद? तो फिर जादूगर हमारी बात मानेगा या नहीं, उसे इस गांव में रह के जादू दिखाना है या नहीं? अरे वाह उस्ताद, क्या शातिर खोपड़ी है आपकी, तब मजेदार आइडिया निकाला है आपने, मान गए उस्ताद, समझ गए ना, अब चुपचाप रहना ठीक है? ठीक है उस्ताद। कालिया पहलवान चले जादू देखने? अरे वीर तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, चलो चलते हैं, बहुत देर हो गई है वैसे भी। हाँ कालिया पहलवान चलो चलते हैं। हेलो मेरे दोस्तों, तो आपको मेरा जादू कैसा लगा? हेलो जादूगर गोगा जी, हम आ गए आपका जादू देखने। वेलकम वीर, वेलकम, स्वागत है तुम्हारा। और वीर बताइए आपको किस तरीके का जादू देखना है? अरे जादूगर जी, हम तो बस आपका जादू देखना चाहते हैं, आप कैसा भी जादू हमें दिखा दीजिए, बस मजा आना चाहिए। हाँ जादूगर जी, ऐसा जादू दिखाइएगा मतलब मजा आ जाए। अरे बिल्कुल छुटकी बेटा बिल्कुल, आज हम तुम्हें ऐसा जादू दिखाएंगे कि तुम कभी नहीं भूल पाओगे। अरे वाह, आज तो मजा आ जाएगा। अरे उस्ताद, मुझे तो ये जादूगर बड़ा खतरनाक लग रहा है। क्यों गोलू, क्या फालतू की बातें कर रहे हो, क्या खतरनाक दिख रहा तुम्हें इसमें? अरे उस्ताद जरा आँख खोल कर देखो, जादूगर के अगल बगल कितने खतरनाक आदमी खड़े हुए हैं, मुझे तो उन्हें देख देख के डर लग रहा है। अरे गोलू मोलू, तुम ना एकदम बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे, वो आदमी नहीं है, वो पुतले है पुतले। हैं? पुतले है पुतले? अरे उस्ताद जी तो बिल्कुल असली से लग रहे हैं, यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। अरे उस्ताद फिर भी आप थोड़ा सावधान रहना, कोई गलती नहीं हो जाए बिल्कुल यहाँ पे, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हे भगवान, मैंने किन पागलों को चेला बना लिया है, तुम लोग मुझे यहाँ पे डराने आए हो या मेरा साहस बढ़ाने? अरे नहीं उस्ताद, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, चलिए आपको तो अच्छा लगे आप वो करिएगा। ठीक है तुम दोनों मुंह बंद करके खड़े रहो। जादूगर साहब मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो कालिया पहलवान, क्या पूछना चाहते हो तुम? ये बताओ जादूगर साहब, आप क्या क्या जादू कर लेते हो? जो तुम कहो कालिया पहलवान, मैं सब तरीके का जादू कर लेता हूँ, बताओ तुम्हें किस तरीके का जादू देखना है? जादूगर जी, जो मैंने कहा, अगर आप वो जादू नहीं कर पाए तो आप इस गांव को छोड़कर चले जाओगे? बिल्कुल कालिया पहलवान, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। अच्छा तो चलो ठीक है। अरे कालिया पहलवान, इस तरीके से बात नहीं करते है ना, मैंने तुम्हें समझाया था ना। वीर तुम चुप हो जाओ, अब तुम मुझे सिखाओगे कैसे बात करनी है कैसे नहीं करनी है? मैं पहले ही मना कर रही थी ना वीर, इस कालिया पहलवान को मत लाओ, ये वहाँ पे कुछ गड़बड़ करेगा। अच्छा तो तुम्हारा प्लान ये था कि तुम मुझे जादू देखने नहीं लेकर आओगे? देख लो उस्ताद क्या प्लानिंग चल रही थी तुम्हारे पीछे से, पर कोई बात नहीं, तुम्हारी प्लानिंग फेल हो गई क्योंकि मैं तो जादू देखने आ गया। अरे नहीं नहीं कालिया पहलवान, ऐसी कोई बात नहीं है, सुखी तो ऐसे तुमसे मजाक कर रही है, हम तो तुम्हें लेकर ही आना चाहते थे। अच्छा तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, मुझे जादूगर जी से बात करने दो। हाँ तो जादूगर जी बताओ, आप तैयार हो? बिल्कुल तैयार है कालिया पहलवान, बताओ क्या करना है? ठीक है तो सुनो, तुम वीर को अपने जादू से मुर्गा बना सकते हो? बस इतनी सी बात? ये तो बहुत छोटी बात है, हाँ मैं बिल्कुल बना सकता हूँ मुर्गा वीर को। कालिया पहलवान तुम बिल्कुल पागल हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्यों मैंने क्या गलत कह दिया, जादूगर है तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी बात है तो अपने आप को मुर्गा बनाने के लिए कहते हैं ना, वीर को मुर्गा बनाने के लिए क्यों कहा? क्यों वीर के डरपोक है, उसे डर लगता है क्या जादू से? अरे कालिया पहलवान तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वीर किसी से नहीं डरता। ठीक है तो फिर जादूगर जी को जादू दिखाने दो। बिल्कुल तैयार हूँ मैं। ठीक है चलो जादूगर जी अपना काम चालू करो। बिल्कुल करता हूँ, अकड़म बकड़म दाढ़ी दकड़म छोटा बंदर बड़ा सिकंदर। लो बन गया मुर्गा। अबे मोलू जी क्या हुआ, उस्ताद तो मुर्गा बन गए? अरे हाँ गोलू, उस्ताद तो अपने जाल में फंस गए। अरे वीर जादूगर साहब ने ये क्या किया, कालिया पहलवान को मुर्गा बना डाला। अरे जादूगर जी ये आपने क्या किया, कालिया पहलवान को मुर्गा बना दिया? हाँ बेटा वीर, जो बच्चे ज्यादा शैतानी करते हैं ना, मैं उन्हें अपने जादू से ऐसी मुर्गा बना देता हूँ, कालिया पहलवान अपने आप को बहुत होशियार समझता है। हाँ जादूगर जी ये तो है, पर क्या करे कालिया पहलवान हमारा दोस्त है ना। अरे जादूगर साहब जी क्या कर दिया,
आपने हमारे उस्ताद को मुर्गा बना दिया। और क्या बोलूं, मैं अपने जादू से कुछ भी बना सकता हूँ। अच्छा, आपको अपने जादू पे इतना घमंड है? बिल्कुल गोलू, पर घमंड नहीं है, विश्वास है, विश्वास। अच्छा, अगर आपको अपने जादू पे इतना विश्वास है तो हमारे उस्ताद को कबूतर बना सकते हो? बिल्कुल बना सकता हूँ, लो अभी बनाता हूँ। अक्कड़ वक्कड़ लड़ी लक्कड़ लगी रही इसमें पकड़ी का लक्कड़ छू। अबे गोलू, उस्ताद कबूतर बन गए। अबे हाँ गोलू, उस्ताद तो कबूतर बन गए। अबे गोलू, ये जादूगर तो बहुत खतरनाक है, बेटा बच के निकल लो यहाँ से, कहीं तुझे मुझे भी कुछ नहीं बना दे दे। हाँ मोलू, तू बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, ये जादूगर से पंगा लेना सही नहीं है, चल जल्दी से यहाँ से निकल ले। अबे गधो, तुम मुझे मुर्गा बने देखे हैं, मजे ले रहे हो और जादूगर से कह रहे हो कि कभी कबूतर बना दो, कभी कुछ बना दो। अबे मोलू, ये तो उस्ताद की आवाज है। अबे हाँ, उस्ताद तो कबूतर बनने के बाद भी इंसानों की आवाज में बात कर रहे हैं। अबे गधे, है तो वो इंसान ही ना, जादू से ही तो कबूतर बने। तो अबे गधो, तुम्हें बड़े मजे आ रहे हैं मुझे मुर्गा बनने में और जादूगर बनने देखने में। चलो जादूगर जी से बोलो मुझे दोबारा से इंसान बना दे। अच्छा उस्ताद, अभी बोलता हूँ। अरे जादूगर जी, हमारे उस्ताद से गलती हो गई, उन्हें माफ कर दो, उन्हें दोबारा से इंसान बना दो ना। हाँ जादूगर जी, माफ कर दो, उन्हें दोबारा इंसान बना दो ना। नहीं, मैं उसे ऐसे इंसान नहीं बनाऊंगा, उसे इंसान मैं जब ही बनाऊंगा जब वीर बोलेगा। अरे वीर, तुम बोल दो ना यार हमारे उस्ताद को इंसान बनाने के लिए। हाँ वीर बोलो ना यार, तुम तो हमारे दोस्त हो ना, नहीं तो हमारा उस्ताद जिंदगी में मुर्गा कबूतर बन के डोलता रहेगा। अरे गोलू मोलू, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, जादूगर साहब तुमसे मजाक कर रहे हैं, वो बिल्कुल तुम्हारे उस्ताद को इंसान बना देंगे। जादूगर जी, अब उसे माफ कर दो, अब दोबारा से उसको अपने जादू से इंसान बना दो। ठीक है बेटा वीर, तुम कहते हो तो उसको दोबारा से इंसान बना देता हूँ। सुनो कालिया पहलवान, वीर के कहने पे मैं तुम्हें दोबारा से इंसान बना रहा हूँ, पर तुम्हें एक वादा करना होगा। अरे जादूगर जी, बस आप बताओ क्या वादा करना है, मैं कोई भी वादा कर लूंगा तुमसे, पर मुझे दोबारा से इंसान बना दो। वादा ये है कि इंसान बनने के बाद तुम दोबारा से किसी को सताओगे नहीं। ठीक है, मुझे आपका वादा मंजूर है, मैं इंसान बनने के बाद कभी किसी को नहीं सताऊंगा, बस इंसान बना दो मुझे। अरे वीर, तुमने क्यों जादूगर साहब से कह दी तुझे इंसान बना दो, उसको कबूतर बने ही रहने देते ना। अरे यार वीर, कितना मजा आ रहा था, तुम भी ना। अरे चिंटू और छुटकी, वो भी तो हमारा दोस्त है ना, हमारे गांव में ही रहता है ना, तो हमें उसके संग ऐसा गलत नहीं करना चाहिए ना। माना कि वो शैतान है, पर है तो हमारा पड़ोसी ना। हाँ वीर, ये बात तो सही है तुम्हारी। चलिए जादूगर जी, अब उसने माफी मांग ली है, वो किसी को सताएगा भी नहीं, आप उसे दोबारा से इंसान बना दो। ठीक है, अभी बनाता हूँ। अगड़म बगड़म दगड़म दगड़म छू। अबे गोलू मोलू, मैं दोबारा से इंसान बन गया। हाँ सर, तुम इंसान बन गए। इंसान तो बन गए तुम कालिया पहलवान, लेकिन अपना वादा मत भूलना। कौन सा वादा जादूगर जी? अच्छा, इतनी जल्दी भूल गए? कोई बात नहीं, मैं फिर से जादू करता हूँ। अरे नहीं 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 जादूगर जी, मैं तो मजाक कर रहा था, गलती हो गई मुझसे, मैं नहीं भूलूंगा वादा। अच्छा तो जादूगर जी, हम अपने घर चलते हैं, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपका जादू भी हमें बहुत अच्छा लगा, तुम सबको मजा आया ना वीर? हाँ जादूगर जी, बहुत मजा आया। मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी? दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आप हमारी फैमिली हो, आप बस अपना प्यार हम पे इसी तरीके से बनाए रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया स्टोरियां लाते रहेंगे और आपको हंसाते रहेंगे।